अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर, और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 22 फरवरी को राही बाजार मिल एरिया थाना क्षेत्र में खुलेआम असलाह से दहशत फैलाने व जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले 15,000 रुपए के 4 इनामी अभियुक्त सहित 8 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में 22 फरवरी को श्यामराही बाजार में खुलेआम असलाह से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, जिस पर वादी शिवेंद्र सोनी निवासी राही बाजार ने मिल एरिया थाना में मुकेश अमन व 10 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुकेश यादव, गैंग का मुख्य लीडर भुट्टू यादव, आशीष यादव सल्लो उर्फ सलाउद्दीन, अजय यादव, अंकित यादव, मोहम्मद शमीम व हसनैन है, और इनके साथी शोएब भागने में सफल रहा। इन लोगों से 4 देशी पिस्टल 32 बोर, 2 देसी तमंचा 315 बोर, 1 देसी तमंचा 12 बोर, 1 देसी तमंचा 32 बोर, 8 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फ़ोन लूटा हुआ और सोने चांदी के लूटे हुए आभूषण बरामद किए गए। टीम के सदस्यों द्वारा अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। लगभग 2 वर्ष पहले मुकेश यादव और सलाउद्दीन ने मिलकर सैलून में सेल्समैन व दही में एक अंडे बेचने वाले को गोली मारकर हत्या कर दी थी। रायबरेली से अंजनी कुमार की रिपोर्ट। ये जनपद रायबरेली के थाना मिलेरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच स्वाट सर्विलांस टीम ने आज 8 कुख्यात सातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी संख्या में पिस्टल और तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ पे इनके द्वारा थाना सरैनी क्षेत्र में, थाना नसीराबाद क्षेत्र में पूर्व में सराफा व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटना और उससे संबंधित माल की बरामदगी हुई है। इनमें से 4 साथी अपराधी मुकेश यादव, बिट्टू यादव, सलाउद्दीन और आशीष यादव पे 15,000 रुपये के इनाम पहले से घोषित था। ये अत्यंत साथी अपराधी हैं, जो पहले भी लूट, डबल मर्डर और कुछ अन्य हत्या और हत्या के प्रयास के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में जेल निरुद्ध रहे हैं। ये अभियुक्त संगठित गिरोह चला रहे हैं, जो वर्तमान में सक्रिय होकर अपने साथियों के साथ विवादित जमीनों पे, प्लाटों पे कब्जा कराना और कुछ लोगों से रंगबाजी के दम पे मारपीट करना और उनसे चौथ वसूली रंगदारी की भी शिकायतें इनके खिलाफ पिछले दिनों आई हैं। इन साथी अपराधियों की गिरफ्तारी से, इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी से थाना मिलेरिया क्षेत्र और शहर के आसपास के क्षेत्रों में जो इस तरह के आपराधिक घटनाएं चल रही थी, तो उन पर प्रभावी रोकथाम जरूर लगेगी। सर, हथियार कहाँ से लाते थे? इन्होंने पूछताछ पे अपने अन्य साथियों के नाम बताए हैं, जो इनको दूसरे जगहों से हथियार सप्लाई करते थे। उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और पुलिस टीमें गठित करके उनकी छापेमारी और आगे और बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के GIC ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत होने वाले निर्मित कार्यों का फीता खींचकर व विराट किसान मेला व कृषि प्रदर्शनी का शुभ आरंभ फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि कृषियों का मेला व प्रदर्शनी में जैविक खाते से संबंधित अत्याधुनिक कृषि तकनीक ज्ञान की जानकारी देने के साथ ही किसानों के कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर देते हुए कहा कि 2022 में किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य है, और ये तभी संभव है जब किसान आधुनिक कृषियों को बढ़ाकर कृषि उपज बढ़ाएं। कृषि मंत्री द्वारा प्रदर्शनी कृषि विभाग, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि को प्रदर्शनी भी लगाई गई। मेले प्रदर्शनी में डॉक्टर सुशील सलमान,
सीएस के कुतपाल डॉक्टर धूम सिंह, निर्देशक परिषद डॉक्टर रवि प्रकाश, हरीश चंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, अनीता श्रीवास्तव आदि अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार ने किसानों से कहा कि कृषि विकास संबंधित जानकारियों को भली भांति जानकर कृषि विकास में योगदान दे। कृषि मंत्री व मुख्य विकास अधिकारी ने किसान प्रदर्शनी की भी स्टॉल पर जाकर अवलोकन किया तथा किसानों को प्रोत्साहित भी किया। कृषि मंत्री के जनपद के कई अग्रणी किसानों को सम्मानित भी किया। रायबरेली से अंजनी कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही। और भी ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।